Om Shanti. Om Shanti. क्योंकि बनना क्या है, लक्ष्य क्या है, सबका सबका क्या लक्ष्य है, सर्व गुण संपन्न 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी है? तो सर्व गुण, तो जब हरेक से गुण देखेंगे, हरेक में गुण देखने की आदत पड़ जाएगी, तब तो सर्वगुण संपन्न बनेंगे। लेकिन अभी कभी कभी तो दिखाई पड़ जाते हैं। माता जी कैसे मुंह बना के करी, अभी दिखाई पड़ जाते हैं। यही तो पुरुषार्थ हमें करना है ना, कि वो दिखाई ना पड़े, पड़ेंगे तो सही दिखाई, क्योंकि आंखों से हम सबको देख रहे हैं, लेकिन उसका प्रभाव हमारे ऊपर ना पड़ेगा। भाव तो ये है ना कि हम क्या करते हैं, उसका चिंतन करना शुरू कर देते हैं। अरे ये भी बाबा का बच्चा है, इसको ऐसा क्यों करता है, इसको ऐसा नहीं करता, चिंतन हमारा शुरू हो जाता है। चिंतन नहीं हो उस घड़ी ही फौरन याद आए कि बाबा ने कहा है बच्चे नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार। पदवी तो सबके नंबर वार है। मैंने शायद पिछली बार भी एक कहानी सुनाई थी, याद नहीं है, बहुत दिन हो गए, अगर मैं सुनाई हो तो ध्यान में आपको आ जाएगी, नहीं तो मैं सुनाती हूँ। एक मूर्तिकार था जो मूर्तियां बनाता था, वो जगह जगह के पत्थर लेकर के इकट्ठे करके उसने रखे अपने पॉट में, और एक एक पत्थर को उसने तराशना शुरू किया। पहला पत्थर उठाया 3 दिन में टूट गया, दूसरे पॉट में रख लिया, दूसरा पत्थर उठाया उसे तराशना शुरू किया फिर टूट गया 6 दिन में, उसे उठा के रख लिया, तीसरा उठाया वो उसको तराशना शुरू किया वो 9 दिन में टूट गया, उसको भी रख लिया, चौथा उठाया उसे तराशना शुरू किया वो 12 दिन में टूट गया। लेकिन मूर्तिकार ने हिम्मत नहीं हारी, वो 5वां पत्थर उठाया और फिर उसे तराशा, वो 15 दिन में संपूर्ण मूर्ति बनकर तैयार हो गई। जब मूर्ति बन करके तैयार हो गई तो उसने गांव में ढिंढोरा पिटवाया, लोग मूर्ति देखने आए, सबको बहुत पसंद आई। जब सबको मूर्ति बहुत पसंद आई तो सबने मिल करके राय की किस मूर्ति को खरीद लेना चाहिए, उसको खरीदा और खरीद करके सारे गांव में उसकी परिक्रमा दिलाई और फिर उसको एक ऊंचे से स्थान पर खड़ा स्थापित कर दिया। लोग वहां आकर के उसकी पूजा अर्चना करने लगे, लेकिन उस मूर्ति तक पहुंचने में लोगों को कठिनाइयां हो रही थी, इस कारण से फिर से वो लोग मिल करके उसी मूर्तिकार के पास गए, उनको बताया भाई उस पर पहुंचने में, मूर्ति तक पहुंचने में थोड़ी मुश्किल होती है, उसका कोई और उपाय बता दो। तो जो टूटे हुए पत्थर रखे थे मूर्तिकार वो ले आया, जो 3 दिन में टूटा था पहली सीढ़ी, जो 6 दिन में टूटा था उसको दूसरी सीढ़ी, जो 9 दिन में टूटा था उसे तीसरी सीढ़ी, जो 12 दिन में टूटा था उसे चौथी सीढ़ी बना दिया। अब लोगों का चढ़ना बहुत आसान हो गया। जब लोग मंदिर में आते थे तो चरण स्पर्श तो पहली सीढ़ी से ही करना शुरू कर देते, लेकिन ऊपर पहुंच करके पूजन अर्चन करते उसमें पूजा अर्चना तो नहीं कर रहे थे, स्पर्श तो कर रहे थे लेकिन पूजा अर्चना उस ऊपर वाली मूर्ति। एक दिन आपस में उन लोगों में सीढ़ियों में बात होने लगी पत्थरों में, कह रहे देखो हम लोगों ने छेनी हथौड़ा नहीं सहन किया, इस कारण से हमको लोग चरण तो स्पर्श करते हैं लेकिन पूजा नहीं करते, उसने छेनी हथौड़े पूरे सह लिए तो लोग उसकी पूजा करते हैं, अगर थोड़ा सा हम लोग भी सहन कर लेते तो शायद हमारी भी पूजा हो जाए। इस कहानी को सुनाने का भाव मेरा यही है कि शिव बाबा ने तो सब पत्थरों को चुन के अपने पॉट में रख लिया है और सबको छेनी हथौड़े लगा के तराश रहा है। अब कौन कितने दिन में टूटता है, कौन कितने दिन में टूटता है, कौन वो मूर्ति का हिम्मत नहीं आ रहा है, वो तो आपको सबको हमको लेके जाएगा है? लेकिन कोई महाराजा महारानी बनेगा, कोई राजा रानी बनेगा, कोई साहूकार, कोई रॉयल फैमिली, कोई प्रजा, कोई दास दासी, कोई नौकर जाकर, नहीं तो चंडाल तो बना ही देगा। क्या बनना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, ये हमारे ऊपर क्या बनना है तो हमको निर्णय लेना पड़ेगा ना, और जैसा निर्णय लेंगे वैसी मूर्ति बन जाएंगे, वैसी पूजनीय बन जाएंगे। क्योंकि आपने देखा है कि देवियों की पूजा होती है लेकिन वो भैरों की और कुत्ते की भी पूजा होती है, हैं?
क्योंकि निमित्त तो वो बने ना, तो हम हमें क्या बनना है, कुत्ता बनना है, भैरव बनना है या देवी बनना है। तो इसके लिए बाबा भी हमें सबको संपूर्णता का पाठ पक्का करा रहा है। बाबा ने किसी को भी प्रजा योग चंडाल योग नहीं सिखाया है, बाबा ने सबको राजयोग सिखाया है। तो राजयोग सीख कर राजाओं का राजा बने, राजा बेटा बने, ये बाबा की हम बच्चों में आश, ठीक है ना।